नमस्कार दोस्तों, आज हम मोटापा कम करने के लिए कैट पोज के वेरिएशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हम कैट पोज में आएंगे और फिर यहाँ पे हमको इस प्रकार मूव करना है। पहले आगे जाएंगे, चेस्ट और चिन को जमीन पर लगाएंगे, फिर ऊपर उठ के फिर अपना रैबिट पोज में आना है। ऐसे बार बार इसको रिपीट करना है। इस प्रकार तो इसको 10 to 20 टाइम्स करना है। फिर सेकंड वेरिएशन में क्या करना है, अपने एक पैर को पीछे ले जाएंगे और श्वास को छोड़ के झटके से अंदर लाएंगे बार बार। जैसे ही आप पैर को अंदर ले जाएंगे, श्वास को झटके से छोड़ना है। इसी प्रकार दूसरे पैर से ये। अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा हूँ और एक एक अभ्यास को 10 times, 20 times, 50-100 बार तक करना है, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते हुए। फिर अगले अभ्यास में क्या करना है, हमें यहाँ पे पुशअप करना है। 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार। फिर यहाँ पे बॉडी को आपको इस प्रकार पोजीशन में ही रखते हुए और एक एक पैर को ऐसे मूव करना है। जब हम लेफ्ट हैंड को उठाएंगे तो राइट लेग को उठाना है। फिर यहीं पर हम अपनी स्पाइन को मूव करेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन। इस प्रकार फिर यहीं पर आप अपने पैरों को क्रॉस करके ऐसे और थोड़ा होल्ड करें थोड़ी देर, देन कम बैक। और फिर अपनी एल्बो को जमीन पर टच करके और अपने हेड को नीचे की ओर डाउन करें। देन कम बैक, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर, कोशिश करेंगे कि हमारा हेड जमीन को टच करे। ये फिर यहीं पर हम अपने हैंड्स को मूव करेंगे, श्वास को भरते हुए, बॉडी को ट्विस्ट करते हुए। श्वास को छोड़ के वापस तो आज मैंने आपको ये कैट पोज के वेरिएशन बताए। ये काफ़ी अच्छे हैं, इफेक्टेड हैं। आप इनको मोटापा कम करने के लिए, स्पाइन के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए कर सकते हैं और बहुत अच्छे स्टेप हैं। आप घर पे करके देखिएगा। थैंक यू।